नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर को क्या इंटरेस्ट रेट देता है। यदि आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप भी इस वेबसाइट पर आकर के सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट, अर्थात यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा, उसके बाद इसमें पैसा रखिएगा, तो उसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट रेट बनेगा। देखिए, आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा जो भी आपको इंटरेस्ट बनेगा आपके सेविंग अकाउंट के साथ। देखिए, बोल रहा है सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया, देखिए 14 अप्रैल 2022 को आपको यहाँ देखने के मिलेगा। तो क्या इंटरेस्ट बनेगा, देखिए बोल रहा है सेविंग फंड अकाउंट बैलेंस बिलोंग 10 लाख, अर्थात यदि आप अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख से कम पैसा रखेगा, अर्थात 0 रुपये से 10 लाख के बीच में, आपको इंटरेस्ट बन जाएगा देखिए 2.70% के हिसाब से। ये इंटरेस्ट रेट घटबर हो सकता है समय पीरियड के अनुसार, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये इंटरेस्ट रेट बन जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यदि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख रहे हैं 10 लाख से ज़्यादा, इसके साथ देखिए आपको 2.75% के हिसाब से अब आपको इंटरेस्ट रेट बनेगा। यदि आप इससे ज़्यादा पैसा रखेगा तो इंटरेस्ट रेट घटबर हो सकता है समय पीरियड के अनुसार, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक में। यदि आपका अकाउंट होगा तो आप जो भी अपने अकाउंट में पैसा रखे तो इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट बनेगा इसके एफडी पे। आपको क्या इंटरेस्ट बनेगा एफडी अकाउंट के ऊपर, चलिए आपको हम बता देते हैं। तो एफडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चेक करने के लिए फिर आपको इस वेबसाइट पे चलना होगा। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, बोल रहा है पंजाब फिक्स डिपॉजिट, सॉरी पीएनबी फिक्स डिपॉजिट, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट अगस्त 2022, अर्थात ये इंटरेस्ट रेट 2022 से डिसाइड किया गया। ये इंटरेस्ट रेट आगे भी घटबर हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यदि आप अपना एफडी अकाउंट ओपन कीजिएगा, अर्थात फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बनेगा। तो क्या इंटरेस्ट बनेगा, देखिए सबसे पहले बोल रहा है यदि आप अपना अकाउंट में रखेगा पैसा 7 दिन से 14 दिन के अंदर, इसके लिए देखिए आपको 3% का इंटरेस्ट बनेगा। और ये नॉर्मल सिटीजन के लिए, अर्थात नॉर्मल कस्टमर के लिए। यदि आप सीनियर सिटीजन के अंदर में आते हैं, फिर आपको देखिए 3.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट बनेगा एफडी करने के बाद, अर्थात फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक में। तो उसके बाद यदि आप 1 महीने से 2 महीने के बीच में अपना पैसा रख रहे हैं, तो इसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा 3.25% के हिसाब से इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन को मिलेगा आपको 3.75% के हिसाब से इंटरेस्ट। 2 महीना से 5 महीना के बाद आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए देखिए 0.5% का इंटरेस्ट हमेशा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए। उसके बाद वही 5 महीना से 11 महीने के बाद आपको और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा करके दिया जाएगा, अर्थात जिस प्रकार से समय पीरियड बढ़ता चला जाएगा, उसी प्रकार से आपका इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप यह देख पा रहे, तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से देखने के लिए, आप यह देख पाएंगे। उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, यदि आप अपने अकाउंट में 1 साल में कोई भी अपना एफडी ब्रेक नहीं करते, एफडी बना करके रखते हैं 1 साल तक कंटिन्यू, तो इसके साथ देखिए आपको सीनियर सिटीजन नॉर्मल कस्टमर के लिए 5.3% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा। वही सीनियर सिटीजन के लिए आपको बन जाएगा इंटरेस्ट 5.8% के हिसाब से, आप यहाँ देख पाओगे। यदि आप इसको ज़्यादा और भी पेमेंट बढ़ाते हैं, अर्थात 2 से 4 साल, तक आपको थोड़ा सा और भी इंटरेस्ट बढ़ा करके दिया जाएगा। और भी चेक करेंगे, फिर आपको देखिए नीचे ऑप्शन मिलेगा 100 ऑल रेट का, फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके 100 ऑल और भी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपको और भी इनके साथ इंटरेस्ट रेट देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। देखिए, बोल रहा है यदि आप अपना एफडी करके रखते हैं 5 साल से 9 साल तक, तो इसके लिए आपको सबसे हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट बनेगा वो 5.6% के हिसाब से, सीनियर सिटीजन के लिए आपको मिल जाएगा 6.1% के हिसाब से। आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बनेगा यदि आप अपना पंजाब नेशनल बैंक में एफडी करके रखेगा, अर्थात एफडी अकाउंट ओपन कीजिएगा, तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट बनेगा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, आप इस वेबसाइट पर आकर अपना सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। चलिए आपको इसके ऑफिशियल कैलकुलेटर पर लेकर चलते हैं, आपको क्या इंटरेस्ट बनेगा, आप कितना पैसा डिपॉजिट कीजिएगा, उसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट बनेगा, चलिए आपको हम डिटेल से बता देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम आगे पंजाब नेशनल बैंक को ऑफिशियल कैलकुलेटर पे देखिए, आपको पढ़ने के लिए मिल गया कैलकुलेटर पंजाब नेशनल बैंक एफडी रिटर्न, आप यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में अपना एफडी कीजिएगा, कितने बैलेंस का, कम से कम यदि आप 1 लाख का एफडी कीजिएगा, देखिए आपको
प्रत्येक साल 5,431 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। आप अपना समय पीरियड को घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपये का FD कर रहे हैं, आपको यहाँ देखिए समय को घटाने बढ़ाने का समय मिलेगा। आप कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर, आप इसके ऊपर क्लिक करके 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आप जितना भी कीजिएगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट बनेगा। मान लीजिए आप यहाँ से 5 साल कर दिए, देखिए 5 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट बनेगा 31,570 रुपया। यदि आप 1,00,000 का FD करके रखते हैं आपने पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट बनेगा। टोटल आपका बैलेंस होगा 1,31,570 रुपया 1,00,000 इन्वेस्ट करने पे। यदि आप इस पैसे को बढ़ाइएगा तो आपको और भी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप इसको 2,00,000 कर दीजिएगा, देखिए 2,00,000 करने के बाद आपको प्रत्येक साल 63,141 रुपया आपको केवल इंटरेस्ट बनेगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से 2,00,000 FD करने पर। टोटल बैलेंस आपका हो जाएगा देखिए 263,141 रुपया। आप इस प्रकार से अपना, तो आप पंजाब नेशनल बैंक में FD करके अपना इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। आपको इस प्रकार से फिलहाल अभी आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट घट और बढ़ दोनों हो सकता है समय पीरियड के अनुसार। आपको और ज़्यादा देखने के लिए भी मिल सकता है और कम भी देखने के मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये इंटरेस्ट बनेगा। यदि आप पंजाब नेशनल बैंक में अभी अपना FD अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से इंटरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और बैंक के बारे में आप जानकारी चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में डिटेल पूर्वक जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।